Would you like to wave to everybody? Madhumita, all these chairs are for you, okay? You should respect them. Come on. All right. So moving on towards the lightning lamp circular, kyun yahan par mehnat kari is fest par. This is the moment, the auspicious moment where the Brahmotsav is declared open. मैम यहाँ देखिए मैम What a beautiful moment. Give it up for all the teachers once again before the lightning lamp ceremony ends. Thank you, Ajay sir, for being here. A very, very, very warm welcome to TVM. Give a big hand, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Vikram sir. And request Sagar ma'am. See all the hysterical boys out there, they're clapping really hard. Big hand, thank you very much. Chaitan, yes. To felicitate the box office also. वैसे मुझे कल रात को भगवान ने भी बोला था कि अगर आप तो उनके लिए मेरे लिए प्रार्थना करोगे तो शायद वो सुनेंगे और पिक्चर भी चलेगी सर भगवान मेरी प्रार्थना आपके लिए भले सुन ले मेरी तो आज तक नहीं सुनी मेरे लिए नॉर्मली भगवान ने कभी भी अपनी प्रार्थना अपने लिए कभी नहीं सुनते वो जब दूसरा बोलता है ना क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन जब आती है ना बिल्कुल सही होती है बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूंगा आपकी फिल्म को बहुत ज्यादा सक्सेस मिले और बहुत सारा प्यार मिले जनता का वो ट्रेलर को तो आपने देख ही लिया और मैं भी वादा करता हूँ अगर फिल्म को सक्सेस मिली ना तो मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा थैंक यू सो मच सर थैंक यू नहीं प्लीज थैंक यू सो मच आप प्रार्थना करते रहिए मैं अभी भी करूंगा थैंक यू सो मच सर और राइट नाउ मूविंग ऑन Shining in white and bright. Vikram sir, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए हमारे साथ अपना वक्त निकाला कीमती समय दिया और ट्रेलर लुक्स फिनोमिनल ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त बनाया आप अपने कुछ सेट के एक्सपीरियंसेस या फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहें अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहें प्लीज गो अहेड काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है थैंक यू पहले आप सब लोगों को कि आप लोगों ने प्यार दिया सम्मान दिया और दो बार ट्रेलर भी चलाया हाँ दो बार ट्रेलर भी चलवाया थैंक यू काफी मेहनत की हम लोगों ने और डिफरेंट टाइप की स्टोरी और आजकल स्टोरी का ट्रेंड बहुत चल रहा है अजय सर ने हमसे काफी मेहनत कराई आप देख ही सकते हैं मजा आएगा आप लोगों को देख थैंक यू सो मच सर एक बार वो डायलॉग करवाना है वो क्या था इट्स ऑल अ गेम ऐसा कुछ तो था ना स्टार्टिंग में क्या था वो जिंदगी चाहे जितना भी भाग ले मौत तो उसे दबोच ही लेती मौत तो उसे दबोच ही लेती फैंटास्टिक हूज रिटन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म सर डायलॉग बेसिकली वो लिखे हैं हमारे राइटर सलीम अश्फी ने लेकिन ये जो डायलॉग है ना ये डायलॉग इन्होंने ही लिखा इस बात के लिए जोरदार तालियां करते होनी चाहिए विक्रम सर के लिए थैंक यू विक्रम सर आप आए यहाँ पर खुद ही को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो गाइस अपने आप को ऐसा बनाइए कि ऊपर वाला भी आपसे आके पूछे मैन इतने परफेक्ट कैसे हो तुम थैंक यू गिव इट अप वंस अगेन फॉर द लीडिंग लेडी कम ऑन आप सही लगता है क्योंकि ताली आप बजी ना क्योंकि लड़के खूबसूरत लड़की है भाई तो सर क्या हमारे को देख के कौन बजाएगा सर लेकिन आप उनको माइक नहीं देंगे तो बात कैसे करेंगे बट सर हाँ हमें देखकर कौन बजाएगा आप हमें कोई समझेगा कोई बात नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आजकल जिंदगी में और राइट सो मधुमेहता प्लीज कम फॉर बीच में आ जाओ सो बिफोर आई टॉक टू अबाउट द फिल्म इफ यू कैन प्लीज टेल अस अबाउट योर पास्ट वर्क दैट यू हैव डन पिछला काम जो आपने किया है टीवी शोज वगैरह में इफ यू कैन टेल द ऑडियंस अबाउट इट सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन नर्वस भी होगी बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल हम ये दिन का वेट करते थे बहुत दिनों से प्रिपरेशन शुरू हो जाती थी तो आई नो कैसा लग रहा होगा बहुत मतलब जो आप लोगों का ब्रह्म उत्सव है
और सब फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. और मैं अपने मूवी के बारे में बताना चाहूँगी. मैंने हाँ आई हैव डन सीरियल्स बट दिस इज माई डेब्यू मूवी. सस्पेंस आप लोग ने ट्रेलर देखा, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा. मजा आया या नहीं? मजा आया या नहीं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. अब अच्छा, इन्होंने इतने प्यार से हमें बताया आप लोग जब स्कूल में होंगे तो कैसा नर्वसनेस होता है. आई टेल यू वन थिंग, वेरी वेरी प्यार से, अच्छे से आप अभी भी स्कूल में ही लगती हैं. फिजिकली रहना पड़ता है. आप लोगों का भी आज स्पोर्ट्स डे है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकली फिट रहो आगे भी. तो इट्स इंपॉर्टेंट. वंडरफुल वंडरफुल. गिव अ बिग हैंड फॉर द एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड टैलेंटेड मधुमिता. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ दैट द एंटायर टीम, द मेन टीम ऑफ द फिल्म इज हियर, आप लोग भी आगे आ जाइए सर. हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे. विल जस्ट प्ले अ स्मॉल गेम विद यू, इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ. ठीक है, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है. इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. ये लोग कॉलेज में खेलते रहते हैं सो दे विल अंडरस्टैंड. सो इट्स ऑल राइट. ओके सर, आप बताइए. नेवर हैव आई एवर कॉट बाय पुलिस. कभी आपको पुलिस ने पकड़ा है, ट्रैफिक पुलिस ने, या किसी ने? सच बताइए. कई बार पकड़ा है क्योंकि मेरी अक्सर आदत है, मैं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करता हूँ. तो नॉर्मली कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रैफिक हवलदार बाइक लेके मेरा पीछा करता है और मुझे कई बार पकड़ लेता है. अच्छा, कितनों को लगता है सच है? बताओ मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट्स ट्रूथ? सिर्फ चार लोग बोल रहे हैं सर. अरे नहीं भाई, हकीकत है. सारे के सारे हाथ उठा दो यार एक बार तो. ओके अच्छा, अगर ये मधु बोलती ना सबके हाथ खड़े होते. हाँ वही तो प्रॉब्लम है. मधु से मैं ऐसा सवाल ही नहीं पूछूंगा. अभी देखो मधु, सबको बता दो तुम कमिटेड हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है. टेल एवरीबॉडी, कम ऑन. नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती तो नहीं हुई है. और अभी ये ढूंढ रही है कि इसका कौन मिले. आप लोग लाइन में आ सकते हो सर. 11, 12 के बच्चे हैं बेचारे. उनसे आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो रही, आप शादी की बात कर रहे हो. लेकिन मैंने बोला ना, सब देखो शाउट करने लगे. ओके मधु, नाउ योर क्वेश्चन, कैन यू गो अहेड विद इट? ओके, थोड़ा सेंसर्ड सवाल ही पूछना पड़ेगा. वी हैव ऑल यंग किड्स आउट हियर बट इट्स ऑल राइट. ओके, नेवर हैव आई एवर बिच्ड bad about a co-actor or any other co-star or a contemporary actress? Sirf haan ya na mein jawab dena hai aapko. Yes, yes, of course. Give a big hand for her honesty. That really means a lot. That honesty. Amazing, amazing job. My tattoo. Your tattoo? So I believe in honesty. Wonderful, wonderful. Yeah, so much honesty out here, man. झूठ नहीं बोलती हैं, ऑनेस्टी का टैटू है. इस सवाल का जवाब भी सच दिया. थैंक यू वेरी मच. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स विक्रम सर. विक्रम सर जी प्लीज. अच्छा विक्रम सर, आपका पहले तो सूट बहुत अच्छा लग रहा है, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. अमेजिंग यू लुक. थैंक यू वेरी मच. अच्छा सर आप बताइए, नेवर हैव आई एवर कॉट ड्रंक ड्राइविंग. नहीं सर, मैं शराब ही नहीं पीता. फैंटास्टिक, इस बात की भी तालियां होनी चाहिए. कम ऑन, मैं बहुत हाई कॉन्शियस हूं, मार्शल आर्टिस्ट हूं मैं तो. मैं वेरी गुड, वेरी गुड. Please, if you can pass this message to all the youngsters, it will mean a lot. क्या है, ड्रिंक हो गया, मस्ती हो गया, एंजॉय, फन, एक टाइम के लिए अच्छा लगता है. जब आप एज में पहुंच जाते हैं तो आपको उस पर रियलाइज होता है कि हमने बहुत प्रीशियस टाइम मिस कर दिया. तो गाइस, जो भी करिए, मैं बोल चुका हूँ, परफेक्ट होके करिए, अच्छे से करिए, मेहनत होकर करिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बट अभी भी तुम लोग नहीं सुनने वाले हो, मुझे पता है. नो नो, बट प्लीज लिसन टू इट. इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एडवाइस एंड इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम ऑफ सस्पेंस द फिल्म. मींस अ लॉट सर, आपने हमारे फेस्ट को चार चांद लगाए. थैंक यू मधु, मींस अ लॉट. थैंक यू वेरी मच सर, यू बीन रियली नाइस एंड काइंड. और अगर हंसी मजाक में आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा. इट्स माय जॉब. थैंक यू वेरी मच फॉर द एंटायर टीम ऑफ सस्पेंस. बेसिकली सबसे पहले तो मैं TVM के ये ठाकुर विद्या मंदिर के टीचर्स और मैनेजमेंट को थैंक्स बोलूँगा कि ये इन्होंने मौके पर मुझे इनवाइट किया और हम लोगों को मौका दिया स्टूडेंट के सामने आने का.
और यहाँ जो रेस्पॉन्स हमने देखा अपने ट्रेलर को देखकर, तो उससे काफ़ी खुशी मिली कि पब्लिक ने हमारे ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे आज यहाँ पर देखकर। प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं फिल्म के, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती थी इस फिल्म को बनाने में, क्या चुनौती थी सबसे बड़ी जो आपको लगी इस फिल्म बनाने में? देखिए अगर देखें तो फिल्म बनाने में चुनौतियां तो काफ़ी होती हैं, लेकिन वो काम ही क्या जिसमें चुनौती ना हो। एक सिंपल सा काम करना तो हर कोई कर लेता है, जहाँ चुनौतियों से भरा हुआ एक टास्क हो उसको पूरा करने में कुछ अलग ही मज़ा होता है, और जब वो पूरा हो जाता है तो उसको जो खुशी होती है ना, वो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी होगी जब रिलीज़ के बाद मुझे वो खुशी होगी। तो और कितना विश्वास है आज के दौर में जो माहौल चल रहा है, जो एक्सेप्टेंस है इस तरह की फिल्मों का, क्या लगता है कितना ज़्यादा? देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी सक्सेस मिलेगी, तो कोई इसका पैरामीटर नहीं है जो कि हम एक्सेस कर लें, और ये मैं अपने भगवान पर छोड़ता हूँ कि जो भी मेरी मेहनत का रिजल्ट वो देंगे वो मिलेगा, और पब्लिक के ऊपर अगर ट्रेलर से उम्मीद है कि अच्छा रेस्पॉन्स मिला है तो फिल्म से भी रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। हमने कोशिश अपनी अच्छी की है, पूरी कोशिश की है, मेहनत की है कि पब्लिक को फिल्म पसंद आए, बाकी पब्लिक बताएगी। मुझे आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा फिल्म में काम करने के दौरान, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आया है, इंटरेस्टिंग ऐसा कोई मूवमेंट है फिल्म को लेकर, बताइए कि सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी आपको? सबसे पहले तो थैंक यू। और फिल्म को लेकर बहुत सारी मेमोरी है, फिल्म को लेकर फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेमोरेबल है। हम लोग ने, अजय सर ने हम लोग से बहुत काम कराया है, हम लोगों को बहुत गिराया है। सस्पेंस मूवी है तो सब बहुत सारे सस्पेंस है उसमें। मैं तो एक शॉट करते करते सीरियसली गिर गई थी और सीरियसली मुझे चोट लग गई थी, तो वो एक बहुत मेमोरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके जो विक्रम की बात कर रहे हैं, तो कैसा बहुत अच्छा रहा, विक्रम जी जो हैं बहुत सपोर्टिव है और बहुत टैलेंटेड है, उनको पता है कि उनको किस तरह का जो कैरेक्टर मिला है उसको कैसे जस्टिफाई करना है, उनको पता है बहुत अच्छी तरह से, और दूसरों के साथ भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इस तरह करिए। सेम अजय सर है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अपने टैलेंट को, अपने एक्टिंग को किस तरह से करना है वो अपने छूट देते हैं कि आप लोग अपने तरीके से करिए, तो बहुत सपोर्टिव रहे, सब बहुत सपोर्टिव है। और ये बताइए, हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब जो आर्टिस्ट होता है कुछ नया सीखता है और नया इनपुट देता है, तो आपने क्या इनपुट दिया, क्या नया सीखा इस प्रोजेक्ट से? हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी जैसे कि मुझे इस मूवी से ये सीखने को मिला है कि आप एक्टिंग किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी डेब्यू मूवी है तो बहुत सारी कमियां रही है, अजय सर ने बहुत सुधारा है, बट हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, नेक्स्ट मूवी में मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊंगी। विक्रम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा दमदार डायलॉग्स तो शुरू से लोगों को अच्छे लगते हैं, मतलब किसी फिल्म को किसी भी एक्टर के हो, और जो सबसे बड़े डायलॉग के देवता मान लीजिए बच्चन साहब, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे, और कुछ लाइनें मैंने इसमें लिखी हैं जो ट्रेलर में यूज हुई हैं, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे काम करके। अजय जी ने मुझे काफ़ी फ्रीडम दी, और एज ए एक्टर जो करने को ही छूट चाहिए होती है एज एक्टर, काफ़ी लेयरिंग होती है, काफ़ी लेयरिंग वाला शेड्स है मेरे, आपको ट्रेलर में देखा भी होगा, काफ़ी लेयरिंग, काफ़ी मज़ा आया, और हमारी जो टीम थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सपोर्टिव थी, मज़ा आया काम करते हम लोगों को बहुत। तो आपका ऑल टुगेदर ये जो फिल्म में कैरेक्टर है, क्या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है या टोटली नेगेटिव कैरेक्टर है? आजकल देखिए, आजकल क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का जमाना चला गया या हीरोइक जमाना चला गया, आजकल की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी में जो मेरा कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी शेड्स हैं, और एज ए एक्टर मुझे काफ़ी समय से एज ए एक्टर भूख रहती कि अब मुझे इस तरह कैरेक्टर करना है, इस तरह काम करना, तो काफ़ी हद तक मैं इसमें कर पाया हूँ, और जहाँ तक लोगों को अप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है, लोगों का ट्रेल को देखकर रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कहीं तक वो चीज़ हो पाई है। तो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टर पास में प्ले किया होगा, कोई इंस्पिरेशन लिया आपने कोई फिल्म से या कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से इस तरह के कैरेक्टर प्ले कर? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा क्या फंडा, जैसे एक न्यू बोर्न बेबी होता वैसे ही इस कैरेक्टर को मैं अलग तरह से पोर्ट्रे किया, इस तरह कैरेक्टर मैंने किया नहीं कभी, अलग तरह से जिया हूँ इसको, वैसे मैं स्मोक नहीं करता हूँ, तो मैंने इस फिल्म में आपने शॉर्ट में सिगार भी है, तो अजय सर ने तो मुझे कहा था कि आप स्मोक नहीं करते हैं तो आप सिगरेट पी लीजिए, या रहने ही दीजिए,
बट आई एम ट्राइंग, मैंने काफी उसकी रिहर्सल करी ताकि मैं परफेक्ट लग सकूं कि सिगार पीता हूं, काफी सालों से पीता हूं, और देखा जाए तो कहीं तक मैं उसको प्रूफ कर पाया कि हाँ मैं स्मोकर हूं। तो तीनों से ये जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कि मतलब एक अपील कर दीजिए दर्शकों को कि ये फिल्म देखने जाए, और क्या वजह होगी कि ये फिल्म देखने जाए। देखिए सबसे पहली तो ये कि हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की है, और हमारी मेहनत को अगर आप लोग जाएं और उसको पसंद करें तो नेचुरली एक आशीर्वाद होगा आप सभी का, और हमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा आगे अपनी फिल्में बनाने का, अपनी मेहनत करने का। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए देखिए, और अच्छी लगे तो उसमें लाइक कीजिए, बुरी लगे तो आप हमें अपने कमेंट करके सजेशन दीजिए, जिससे कि हम आगे उन अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। मुझे याद करना चाहिए, हम लोग ने सब ने बहुत मेहनत की है इस मूवी के पीछे, सबने बहुत काम किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं बस ये अपील करना चाहूँगी कि 14 दिसंबर को थिएटर में देखिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर से, हम तीनों नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर से साथ में काम करें, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आजकल क्या है वैसे भी छोटी फिल्मों का जोन आ गया, आजकल छोटी फिल्म बहुत हिट हो रही है, तो हमें काफ़ी होप है, पूरी तरह से बॉलीवुड मसाला मूवी है जो आजकल टेस्ट चलता है। आदमी जब 12 घंटे 14 घंटे के टेंशन के बाद 2 घंटे रिलैक्स होने जाता है, तो हम कहीं ना कहीं तक उनको रिलैक्स कर पाएंगे, उनको वो मजा आएगा, एंजॉयमेंट आएगा, उनका पैसा वसूल मूवी है, पॉपकॉर्न वसूल मूवी है, लोग रॉक करेंगे इसमें। थैंक यू। मैं करता हूँ चलेगा, और नहीं करना चाहिए। नहीं आप नहीं करनी चाहिए सर। तो फ्री हो कि नहीं? 3 बजे चलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डन सर, रेडी वन सर, सोलो मैम। ऐसा लगता है कॉमर्स स्कूल कॉलेज के दिन अच्छा लगता है सर, क्या वही पॉइंट। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। हां मैं कंपैरेटिवली पहले किस तरह से बच्चे होंगे ना, उनसे भी ज्यादा बदमाश। ओके सर, ओके सर, आइए। हमारे बीमारी नहीं हुए ना अभी तक, उनको तो हैंडल करना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, थैंक्स सर। प्रोमो कर दीजिए, बड़े मुश्किल से किया है।